डर भी लग रहा ना कि हाथ किसने हाथ ऐसे कर दिया। तो ये था कि भाई आपको डिनर 10:30 बजे तक मिलेगा। यहाँ पे एक सबसे बेहतरीन चीज़ जब साउथ में आओ ना तो सबसे अच्छी लेते जो केले का पत्ता होता है ना उस पर खाना सर्व किया जाता है। वेरी गुड। तो हमारी जो आज की डेस्टिनी है वो हासन है और जो कल की डेस्टिनेशन जो मेन है दैट इज चिकमंगलूर। Amber Speed Sound Production Take One। तो जी निकलने से पहले जो छोटे मोटे काम है वो कर ली जाए, पानी की बोतलें भर ली जाएं, कुछ स्नैक्स ले लिए जाए रास्ते के लिए ताकि बार बार रुकना ना पड़े और कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी मैं खुश हूँ, मज़ा आ रहा है। यहाँ तक देख चुके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल के मोटिवेशन के लिए और मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओ जी केजरीवाल को छोड़ो, चलो सुबह सुबह चलो चलिए जल्दी। ऑल सेट रेडी? ऑल सेट यो। पानी की बोतलें मैंने भर दी हैं, गाड़ी में डाल दी, चारों सामान पैक हो गया, छोटा मोटा सामान एक बार क्रॉस चेक मार लेते हैं। ठीक चलो जी। शुरू हो चुका है, आर यू एक्साइटेड गाइस? हमारी जो आज की डेस्टिनी है वो हासन है और जो कल की डेस्टिनेशन जो मेन है दैट इज चिकमंगलूर। चिकमंगलूर का डिस्टेंस बैंगलोर से है दैट इज 240 किलोमीटर, बट हमें हासन में रुकना बिकॉज हमें स्टे नहीं मिल रहा था क्योंकि ये जो आज जो ये वीकेंड है ना लंबा, आप पे इंडिपेंडेंस डे भी आ गया है और लोगों को छुट्टी सैटरडे संडे की भी है तो उस चक्कर में प्रॉपर्टीज का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हासन यहाँ से 180 किलोमीटर जहाँ पे पहुँचने के लिए हमें आराम से 4 घंटे लेंगे। तो उसके बाद अगर हम कल जब चिकमंगलूर की तरफ जाएंगे तो चिकमंगलूर जाने के लिए हासन से 1 घंटा लगता है। हम लोगों ने ना वो बहुत वाइज डिसीजन लिया था कि कहीं ना कहीं पहले आराम से रुक लिया जाए क्योंकि अगर सिटी में जहाँ पे जाना चिकमंगलूर वहाँ पे अगर कुछ नहीं मिला तो हम लोग खज्जल होते रहेंगे। तो फिलहाल फटाफट चलते, सबको प्यास लगी तो प्यास का मतलब दारू नहीं होता, प्यास का मतलब कोल्ड ड्रिंक भी होता है, तुम इधर उधर मत देखो ध्यान भटकता है, तो प्यास का मतलब कॉफ़ी होता है। तो हम जरा कॉफ़ी मारेंगे और फिर आपको उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी। जिसमे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, मतलब बिग शॉट। बिल्कुल बिग शॉट, ही इज फ्रॉम बिदर नॉर्थ कर्नाटका। ओके। और ये यूएस में भी इनके बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं और यूएस में भी बहुत सारे रोड बनाए हैं इस रोड के जो ओनर हैं और ये पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए। अपने जो फैजल भाई हैं ही इज आल्सो फ्रॉम बिदर, बट यार अच्छा लगता है कि मतलब कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट लोग भी इनिशिएटिव लेते हैं कि ट्रैवल डिस्टेंस लोगों का कम हो। अब आप ये बोलो कि बंदे की अपनी ज़मीन है उसने पैसा कमाने के लिए, ठीक है आज की डेट में किसको पैसा नहीं कमाना, बट उस पैसे कमाने से अगर काफ़ी लोगों का जो टाइम ट्रैवल टाइम है वो कम हो रहा है तो वो फ़ायदे की बात है। सही बात है। जर्नी कंटिन्यू करते हैं, गाने सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा, कॉफ़ी नहीं मिली अभी तक। यहाँ पे खैनी साहब अगर आपके कोई भी जान पहचान के ब्लॉग देख रहे हैं ना, एक छोटा सा 2-3 आउटलेट बनाओ दोनों तरफ भाई। सही बात है भाई, फूड प्लाजा जरूरी है। नाइस रोड पे फूड कोर्ट बनाओ, बैंगलोर के बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे नाइट ड्राइव के लिए आएंगे। हाँ। कुछ ना कुछ और नाइस रोड पे नाइस नाइस कुछ चीजें और भी अच्छी लगेंगे। यहाँ पे हमें कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी थी वहाँ पे तो अंदर ऑलरेडी इतना वेट चल रहा था, तो यहाँ पे रास्ते में ही उड़प्पी उड़ुप्पी गार्डन करके है, प्योर वेज। अभी यार तो श्रावण भी खत्म हो गया, मैं फिर वेज वेज के चक्कर में फंस रहा हूँ। कोई नहीं, आज तो मुर्गा खाया जाएगा, दबा के खाया जाएगा, तो यहाँ पे कॉफ़ी पी जाएगी, कुछ खाना वाना खाया जाएगा, फिर जर्नी कंटिन्यू करते हैं हासन की तरफ। थैंक यू। Oh, 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 oh
हाईवे पे चलाने दो यार, मेरे को हाईवे पे चलाने का मन ले दो। चल चला ले, चल सीधे कैमरे में गॉगल निकाल ले दो। सो गाइस आई होप यू लाइक द ड्रोन शॉट्स। मतलब मैंने पहली बार अपन ने उड़ाया ऐसे है ना सड़क के बीच में। हां भाई, तो थोड़ा डर भी लग रहा था ऐसा क्या, बिकॉज वो अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया ना गाड़ी के साथ। एक तो अपना वाला मॉडल में फॉलो मोड नहीं है, वो थोड़ा सा अपर वर्जन है, वो तरक्की करेंगे जल्दी अपन। अच्छा, तो वो पर फील आया, लगा मजा आया। अभी देखो आप लोग, मजा आ जाएगा। देख लिए ये लोग, देख लिए, देख लिए, देख लिए ये लोग। तो अभी चाय पीने रुके एक टपरी पे, तो वो गाड़ी अभी इसने बोलती मैं ही चलाऊंगी। मैं चल तू ही चला। यहाँ से कितना रह गया अभी, 40-50 किलोमीटर? 80 किलोमीटर हसन। तो ठीक है, हंसते हंसते मिलते हैं हसन में गाइस। जी अभी ड्राइवर जो है वो चेंज हो चुका है, तो यहाँ से 40 किलोमीटर का सफ़र हम कवर कर लेंगे एक डेढ़ घंटे में आराम से। कोई जल्दी हमें कोई नहीं है, 40 मिनट में भाई, राजधानी नहीं है, 40 मिनट में जाते, 40 एक घंटा है। गाइज ये रहा अपनी प्रॉपर्टी आर्या मेंशन, बिकॉज मेंशन यही लेना पड़ा हमें। रीज़न क्या था, क्योंकि मैंने बताया पीछे की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो ऑलरेडी फिल्ड थी, बुकड थी, तो उस चक्कर में हमें हाईवे पे रुकना पड़ा, बिकॉज चिकमंगलूर वॉज हाउसफुल। हाउसफुल इज लाइक कि मतलब एवरीथिंग वॉज फुल। हैव यू हैवन चेक इन, चेक्ड इन येट? ओह आई थिंक रूम अवेलेबल है ना। कॉफी पी रहे तुम? बोलो बीमार हो गए? पीछे दिख रहा है कुछ पतला पतला, पेट खराब हुआ? नहीं भाई, नींद आ रही। नींद आ रही है? सोने दो। चलो गुड नाइट, खुदा हाफिज। तो जी अभी ऊपर अच्छे सा लंच वंच कर, लंच नहीं बोलेंगे, आई डोंट नो ब्रेकफास्ट और लंच को तो ब्रंच बोलते हैं। ये शाम के खाने को हम क्या बोलेंगे जो मिक्स होके एकदम से डिनर टाइप हो गया, तो कन्फ्यूजन बहुत थी क्योंकि बाहर जाना नहीं था, कुछ करना नहीं था हम लोगों को। तो अभी फैजल भाई सब आराम कर रहे हैं हम लोग, और शांति से शाम को उठेंगे, बिकॉज ऊपर का माहौल जो है वो आई थिंक रात को और अच्छा होगा। तो थोड़े से इसके बाद आप रात के ग्लिम्स देख लेना, फिर हम इस व्लॉग को पूर्ण विराम बोल देंगे और व्लॉग को ख़त्म कर देंगे। कल चिकमंगलूर यहाँ पे कॉफ़ी आई थी, मतलब कॉफ़ी इन्वेंट हुई थी इंडिया में, उस शहर के नज़ारे लेते हैं और थोड़ा आप भी देखना और बताना कि कैसा लगा, क्या मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी। सी यू भाई। आए क्या बोल रहे भाई, कहाँ जा रहे हमें? आए ये व्लॉग में डाल दूंगा मैं, ऐसी हरकतें मत करो, परिवार वाले देखते हैं, तुम्हारे घर वाले भी देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जम्बालिया। अबे वही व्लॉग चल रहा है, वेलकम बैक कल होगा, वही व्लॉग चल रहा है अभी। हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है जम्बाल यहाँ है मैं, और अभी हम आए हैं क्लब। यो यहाँ तो पार्टी हो रही है, बस पे नाचना नहीं बे। माहौल अलग तरह के बना पड़ा है, मतलब नज़ारे अलग बने पड़े हैं। तो मतलब 10:30 उनका लास्ट है ऑर्डर, अभी क्या हो गया घड़ी देखी नहीं, हाँ 10:30 बंद होने वाला है, तो उन्होंने लास्ट ऑर्डर देके आप बैठ सकते हो, अदरवाइज आप रूम में ऑर्डर मंगा सकते हो। तो हम फटाफट ऊपर चल रहे हैं, मस्ती करते हैं, टाइम पास करके चिल मार के आते हैं ढाणे होटल के। क्या तारीफ है भाई, सुबह में चेक इन करे, चेक इन के टाइम लोगों का काम था, ये लोग बोलना चाहिए था कि भाई आपको डिनर
10:30 बजे तक मिलेगा, तो ये लोग हमको बताए नहीं। फिर हम लोग जैसे ही ऊपर लॉन्च में गए तो अभी बोला सर आप अभी ऑर्डर यहाँ पे नहीं कर सकते, आप रूम में जाके ऑर्डर कर लो, रूम पे आपको खाना मिलेगा। फिर रूम पे आके रूम सर्विस को कॉल करके ऑर्डर देने, तो वो बोला कि 10:30 को किचन बंद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर बहुत लड़ने झगड़ने के बाद थोड़ा बहुत खाना मिला, अब खा रहे हैं। खाना लेने की बात हुई ये अलग ही टेंजेंट पे जाता है, इसका कॉस थीटा सैन थीटा सब मिल गया। तो बस अभी डिनर कर रहे हैं, तो इस ब्लॉग को हम डिनर करते करते खत्म कर रहे हैं। कल का प्लान जो सिंगापुर नहीं है चिकमंगलूर, अब चिकमंगलूर का है, वो थोड़ा सा अभी हम एजेंडा सेट कर रहे हैं कहाँ कहाँ घूम सकते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द चैनल फॉर द बेल। ये होता है भाई जब दिमाग की माँ बहने को जाए ना, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, तो सारी चीज़ ऊपर हो जाती है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट द बेल आइकन। चलो कोई नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो पता ना क्या करना, हर बार एक ही बात बोलता हूँ। तो ठीक है, टेक केयर, लव यू, सत श्री अकाल, अलविदा, बाय बाय, जय माता दी, बाय बाय।